अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताना यार कि आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। ओके थैंक यू। हम शुरू कर रहे हैं। ओके यार, ये हम शुरू कर रहे हैं। तो कल जो है हमने स्टार्ट किया था बायनोमियल एक्सपेंशन, और थोड़ी बहुत कहानी समझी थी बायनोमियल एक्सपेंशन की। मैंने आपको बताया था कि बायनोमियल एक्सपेंशन में आपको ये एक दो चीज़ें ही पता होनी चाहिए जो मैं लिख चुका हूँ, बाकी तो हम क्वेश्चन देखते रहेंगे किस तरीके से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन जो हैं उनको उन तक जाने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। ये हमारी मेन स्टेटमेंट है, ठीक है। हम एक्सपेंशन जब करते हैं ए प्लस बी होल पावर एन की, तो क्या होगा? पहली टर्म कैसी होगी, दूसरी टर्म क्या होगी, तीसरी टर्म क्या होगी, ये सारी कहानी हमने करनी है ना। तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि फर्स्ट टर्म वुड ऑलवेज बी ए टू द पावर एन, ए जो यहाँ पे है उसकी पावर एन प्लस फिर एन सी वन। इसके ऊपर हमने पूरी कहानी की थी। एन सी आर क्या होता है? एन सी वन होगा ए की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय बी की पावर वन। मैंने बताया था इसमें हो क्या रहा है कि पहले ए की पावर एन है, फिर एन माइनस वन है, फिर एन माइनस टू है, एन माइनस थ्री, एंड सो ऑन। इस तरीके से ए की पावर कम होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ए के पीछे फर्स्ट टर्म में, इसके पीछे मैंने बताया था लिखा होता है एन सी जीरो। तो ये पहले एन सी जीरो होता है, फिर एन सी वन होता है, एन सी टू होता है। एन सी जीरो में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि क्योंकि एनीथिंग सी जीरो इज वन, ठीक है। एनी इंटीजर सी जीरो इज वन, तो वो हम लिखने की जरूरत नहीं है। वो फिर यहाँ वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एंड सो ऑन। और हमने यहाँ जब आर की बात भी की थी तो कहा था आर इज वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। एन सी आर में जो आर है दैट इज वन लेस देन रिक्वायर्ड टर्म। सेकेंड टर्म में आर जो है वन है, थर्ड टर्म में आर जो है वो टू है, ठीक है ना। मतलब अगर इलेवेंथ टर्म होगी तो आर टेंथ होगा। आर वुड ऑलवेज बी वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है। उसका रीजन भी ये है कि पहली टर्म में एनसी जीरो होता है, फिर एनसी वन होता है, एंड सो ऑन। बी की पावर का ये सीन है कि पहली टर्म में ऑब्वियसली बी की पावर जीरो है, वो हम लिखते नहीं है क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर जीरो इज वन, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी टर्म में बी की पावर वन हो गई है, फिर बी टू द पावर टू, बी की पावर थ्री, और बी की पावर बढ़ती रहेगी। जो लास्ट टर्म आएगी यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से होगी मैथमेटिकल जबान में। अगर मुझे नहीं पता कि एन है कितना, मुझे ये पता है ये पहुंचेगा एन सी एन तक, ठीक है। ये पहुंचेगा एन सी एन तक, और यहाँ पे ए की पावर जो है वो उस वक्त एन माइनस एन हो चुकी होगी, मतलब जीरो हो चुकी होगी आखिरी टर्म में, और बी टू द पावर एन हो जाएगी। आखिरी टर्म बेसिकली होती है बी की पावर एन, क्योंकि ए की पावर जीरो भी वन होता है, एन सी एन भी वन होता है, बचता सिर्फ ये है, ठीक है। उसको अभी समझ भी लेंगे वन बाय वन। मैंने कहा था कि जब भी एक्सपेंशन मांगे हैं आपसे, जैसे कि हमने एक्सपेंशन की थी यहाँ पे 2 + x होल क्यूब की, जब भी वो बोलेंगे एक्सपेंड करें आप कुछ टर्म्स तक, तीन चार टर्म्स, जितने भी टर्म्स हम मांगे, तो उसका आसान तरीका, रिलेटिवली आसान तरीका ये होता है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें टू फाइंड एनी स्पेसिफिक टर्म। आपने ये करना है, ठीक है ना, फॉर्मूला टू फाइंड एनी स्पेसिफिक टर्म।
सही है, जो भी आपको चाहिए टर्म, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट T5, फिफ्थ टर्म चाहिए आपको, तो आप उसमें सिर्फ एन आपके पास अवेलेबल होगा, सी तो पता ही है, आर हमने कहा था आर इज ऑलवेज वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, आर 4 हो जाएगा, NC4, ठीक है, एन जो है वो पावर होती है तो वो लिखी हुई होगी, वो भी देख लेते हैं, तो ए और बी अवेलेबल होगा, सब इनपुट करना है, तो टू फाइंड एनी स्पेसिफिक टर्म आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और मैंने कहा था कि एक्सपेंशन के वक्त आप ये करें कि वन बाय वन हर हर टर्म फाइंड करते रहे, जैसे ये इसकी एक्सपेंशन करनी थी, तो पहली टर्म तो खैर हम याद कर चुके हैं, पहली टर्म होती क्या है, ए की पावर एन, इस वक्त ए कितना है, ए 2 है, एन 3 है, तो 2 की पावर 3 शुड बी द फर्स्ट टर्म विच इज 8, लेकिन तब भी मैंने कहा कि चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला एक काम करते हैं, जो हमारी टर्म का फॉर्मूला है उसमें इनपुट कर देते हैं इन सारी वैल्यूज को, तो T1 जो है वो क्या हो गया, 3C0, बिकॉज आर जो है दैट इज वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म इज द फर्स्ट टर्म, ए 2 है, ए की पावर एन माइनस आर यहाँ लिखा हुआ है, तो एन 3 है, 3 माइनस आर, 3 माइनस 0, बी टू द पावर आर, आर 0 है, ठीक हो गया, सिंपलीफाई किया, X की पावर 0 1 हो गया, 3C0 1 हो गया, सब खत्म हो गया, 2 क्यूब बच गया, विच इज 8, इस तरह हमने फर्स्ट टर्म की, देन वी मूव ऑन टू द सेकंड टर्म, हर टर्म के लिए हमने यही काम करना है, एक फॉर्मूले में सारी वैल्यूज इनपुट कर देनी है, एनसीआर एनसीआर जो 1 हो जाएगा क्योंकि सेकंड टर्म की बात हो रही है, ए की पावर एन माइनस आर, बी टू द पावर आर, सिंप्लीफाई किया हमने, 12x आ गया, सिमिलरली थर्ड टर्म फाइंड की, थर्ड टर्म क्या हो गई, एनसीआर 3C2, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, सिंप्लीफाई किया, 6x² आपका आंसर, ठीक है ना, और हमने कहा कि इसकी आप एक्सपेंशन इस तरीके से लिख दें, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, आगे कुछ डॉट्स बना दें क्योंकि अभी और टर्म्स आनी है, कितनी आनी है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने बोला होता इस क्वेश्चन में ये फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस x होल क्यूब, तो आपने ये कहानी करनी थी जो हमने ऊपर की है, और आपको फर्स्ट 3 टर्म्स मिल गई, यहां तक कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ लंबी वाली वर्किंग कर सकते हैं हमजा, अरीबा यानी अरीब प्राइवेट मैसेज ना किया करो, आयशा ठीक है, ओके, लाइबा, खलील, वजीहा ठीक है, हिबा, बाकी लोग कौन है भाई, बाकी कहाँ है, यूसुफ, वजीहा, ये हो गया, यूसुफ, सलमान, उमर, हाजरा, अरीब ठीक है, जोया ओके, तो सही तरह से आगे बढ़ते हैं, हाँ लंबा वाला फॉर्मूला आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, आप वन बाय वन टर्म ब्रेक करके करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अब जरा से कि बेसिक्स पे चलते हैं, होता क्या है समझने के लिए, अच्छा आपके सिलेबस में, ए एस मैथ के सिलेबस में टेंशन नहीं है इतनी, क्योंकि जो आपकी पावर होगी हमेशा एन, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, एन वुड ऑलवेज बी एन एन वुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर पता ना होल नंबर 1 2 3 4 एंड पॉजिटिव, पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी, तो कोई टेंशन नहीं है, आपने सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, ए टू में जाके ये भी हो जाएगा कि पावर जो है वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में भी होंगी, लेकिन वो भी इतना मसले की बात नहीं है, खैर ये हो गया, एन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब भी हम एक्सटेंशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वुड दे वुड बी वन मोर देन एन, एन की जो भी वैल्यू है उससे एक ज्यादा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, मतलब अगर पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 आनी चाहिए, ठीक है, जब पावर 2 थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप करते थे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 आती थी, पावर अगर 99 होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 आएंगी, सही है ना, एक तो ये समझ में आ जाए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, एन से एक ज्यादा हमेशा, क्योंकि आपका एन पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो आपके लिए ये रूल वुड ऑलवेज अप्लाई, ठीक है, ए एस की हद तक।
एक तो ये चीज हो गई, दूसरा ये होता है कि अच्छा अब जरा सा पेपर पेन भी लेके बैठ जाओ, क्योंकि यार इसमें ना कैलकुले वो है, मतलब फॉर्मूला यूज करना है, कैलकुलेशन एरर थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो जरा सिंप्लीफाई करें यूजिंग दिस रूल जो हमने लिखा हुआ है किसी भी टर्म को फाइंड करने का, NCR a टू द पावर n-r b की पावर r, इसको यूज करें और मुझे जरा फोर्थ टर्म बताएं यहाँ पे क्या आएगी, फोर्थ टर्म बताएं क्या आएगी, तीन तो हमने कल कर ली थी ना, फोर्थ आपने बतानी है, आप सबने बतानी है, जल्दी बताएं, यूज करें और चेक करें सही आ रही है आपकी टर्म, सारी कहानी ऊपर हुई हुई, किसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं, 2+x3 की एक्सपेंशन कर रहे हैं, फोर्थ टर्म बतानी है आपने, कभी कभार वो डायरेक्ट ना बोलते आप ये दे देगा, वो बोलेगा कि आप डायरेक्ट मुझे फोर्थ टर्म बताएं, कभी वो बोलेगा चारों टर्म एक्सपेंड करके बताएं, तो आप वो डायरेक्ट निकालनी भी आनी चाहिए ना, डायरेक्ट में यही है कि आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, तो मुझे सिर्फ फोर्थ टर्म बता दें क्या आएगी यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसमें इनपुट करो और वैल्यू बताओ क्या आ रही है, जिनको लगता है उनको समझ में आ गया तो वो भी करें चेक, देखें सही आ रही है, फोर्थ टर्म ऑफ दिस। x³, सबका x³ आ रहा है, x³ इज द राइट आंसर, जिसका x³ नहीं आ रहा वो कोई मसला कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ x³ कैसा आएगा, सही कह रहे हैं, तो अगर मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, एन मेरा क्या है, एन वही है जो पावर है, N3 है, आर हो जाएगा 1 less than the required term, तो 3C3 हो जाएगा, सही है, यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो R3 हो जाएगा, NCR a की पावर n-r, a की पावर n-r, n और r तो यही है ना, और b की पावर r, b क्या है x है इसका क्यूब, ठीक है, तो ये 1, ये भी 1, x का क्यूब आंसर क्या है, x का क्यूब, बात समझ में आ रही है, किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ ले, 2+x³ के लिए एक्सपेंशन किया हमने, ये 2+x³ की फोर्थ टर्म यहाँ से निकाली है हमने, और इसको अब हम इसकी जगह पर लिख देते हैं, इसी फोर्थ टर्म हम लिख देते हैं, फोर्थ टर्म क्या है x³, किसी को कंफ्यूजन है इसमें पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो, किसी को भी कंफ्यूजन है पूछ लो, जिन्होंने आंसर नहीं भी बताया वो भी पूछ लिया, कोई मसला है तो ठीक है, अच्छा अब अगर सबको समझ में आ गया तो अब एक काम करें, इसी की फिफ्थ टर्म फाइंड करें, फिफ्थ टर्म फाइंड करें, मुझे आंसर बताएं, फिफ्थ टर्म फाइंड करें इसकी एक्सपेंशन की, फिफ्थ टर्म यूजिंग दिस फॉर्मूला और मुझे आंसर बताएं, फिफ्थ टर्म क्या बोल रहे हो, फिफ्थ टर्म बताएंगे जरा क्या आ रही है, नॉट पॉसिबल नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, सही कह रहे हैं, क्यों फिफ्थ टर्म नहीं आ रही, क्योंकि जब आप 3C4 करेंगे तो आंसर आएगा मैथ एरर, बिल्कुल ठीक है, आप चार लोगों को चूज नहीं कर सकते तीन लोगों में से, हमने कहा था ना NCR का मतलब क्या होता है, चूज आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, याद है ना, तो 3C का मतलब होगा कि नहीं हो सकता ना, जब भी नहीं आएगा, और हमने जब ये खैर वो ना भी समझ में आया तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ लें वापस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी वन मोर देन एंड देन एन, ठीक है, N3 था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 4, पांचवी टर्म नहीं आएगी, ठीक है, अगर आप निकालने की कोशिश भी करें तो कैलकुलेटर मना कर देगा आपको, ओके ठीक है, एक तो ये समझ में आना चाहिए हमें, अच्छा इसको मैं वापस लिख दूं, और एक जो दूसरी चीज समझानी है वो ये है कि जब हम लिखते हैं 2+x³ =
एट प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा ये हमने लिख दिया एक्सपेंशन। दूसरा इसमें ये है कि अब आपने सिमिलरली एक्सपेंशन करनी है 2 माइनस एक्स के क्यूब की, ये आपने खुद करनी है अभी, और मुझे पूरा आंसर बताना है, चारों टर्म्स बतानी है जल्दी से। ये आपने खुद करना है एक्सपेंशन यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको यूज करें आप, टर्म वन फाइंड करें, सेकंड टर्म फाइंड करें, थर्ड टर्म फाइंड करें, फोर्थ टर्म फाइंड करें, और इसकी एक्सपेंशन बतानी है। यार मुझे पता है जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से वो ना बताए ना यार, मैं चाह रहा हूँ कि जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो जरा मेहनत करें, एक्सपेंशन करें, चारों टर्म्स निकालें और मुझे आंसर बताएं। जी हमजा, लाइबा, हाजरा, क्या होगी पहली टर्म? और भी जो है हमारे साथी, कौन कौन है हमारे साथ जिन्होंने नहीं पढ़ी एडवांस? किसने नहीं पढ़ी? उमर तुमने नहीं पढ़ी, लाइबा, खलील ने, खलील तुमने पढ़ी हुई एडवांस, हमजा तुमने नहीं पढ़ी, आयशा, ठीक है, अच्छी बात है, तो करो एक्सपेंशन। जिन्होंने, अच्छा हाजिर आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, सही है आयशा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी यार, मैं ज्यादा उनसे मतवज्जों की तरफ, तो आप लोगों ने एक्सपेंशन करनी है, मुझे आंसर बताना है अभी। इसकी एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन 2 - x होल क्यूब की, ठीक है। नहीं पढ़ी तो हमें थोड़ा ज्यादा काम करना है, जिन्होंने पढ़ी उनसे ज्यादा काम करना है ना, हमने हम उनसे कम करेंगे तो हमें हम कहाँ जाएंगे फिर, ठीक है। तो एक्सपेंशन करें इसकी यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी जस्ट डिड। फर्स्ट टर्म तो हमें पता है ना, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ए क्यूब विच इज 8, सेकेंड टर्म एन सी वन, एन कितना है? 3c1, 2 की पावर 2, और माइनस एक्स। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म आपकी माइनस एक्स हो गई है, इसको नहीं भूलना, माइनस एक्स की पावर 1, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 12x, बिल्कुल। थर्ड टर्म 3c2, 2 की पावर अब यहाँ 3 हो जाएगी, माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3c2 कितना होता है? 2 की पावर 3 नहीं होगी, सॉरी 2 की पावर 1 होगी ना, पावर कम होती जा रही है ना, ncr a की पावर n माइनस r, 3 माइनस 2 1 हो गई, ये पावर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक हो गया। माइनस का स्क्वायर कितना हो गया इसका आंसर? ये आ गया 6x2, ही आया 3c2 3 होता है इंटू 2 6, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ टर्म मैंने आपको वैसे आखिरी टर्म मैंने बताया हुआ है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ये होगा b की पावर n, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा भी करें कोई मसले की बात नहीं है, 2 की पावर 0 और b की पावर ये हो जाएगी विच इज माइनस एक्स का क्यूब करेंगे। तो अब माइनस का जब क्यूब करते हैं, ए भी समझ लो बात, अगर माइनस है ब्रैकेट के अंदर और पावर में ऑड नंबर है तो आखिर में माइनस आएगा, ब्रैकेट में माइनस है और पावर में इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पता ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 बार माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर तीसरे माइनस ने फिर प्लस को माइनस बना दिया। ये बात समझ में आ रही है? ये चार टर्म समझ में आ रही है, और इसका आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे। पहली टर्म 8 आई है, दूसरी माइनस 12x, फिर 6x2, फिर माइनस एक्स क्यूब, ठीक हो गया। ये चार टर्म्स आई हैं, सबकी आई हैं, खासतौर पर नॉन एडमिस वाले, अगर यही आई है तो ओके लिख के भेजो, कोई कन्फ्यूजन है पूछो, ऐसे ही किया आपने यही चारों टर्म्स।
लाइवा कहाँ चली जाती हो तुम, रिपीट ये। चलो बता रहा हूँ मैं, बाकी लोग बताएं बताएं, कोई भी इशू हो तो बताएं। कुछ नहीं किया हमने, फर्स्ट टर्म ए का क्यूब लीड पढ़ा था ना, सेकंड टर्म एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन थ्री माइनस वन क्या हो गया टू, बी की पावर आर, सही है ना, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, सिंप्लीफाई किया माइनस ट्वेल्व एक्स आ गया, सेम काम ही आ गया, एन सी आर ए की पावर एन एन माइनस आर बी की पावर आर, सिंप्लीफाई किया सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। आर क्या है, आर इज ऑलवेज वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक हो गया, ये चार टर्म्स आ गए, इनको एक साथ लिख दिया। फिर माइनस प्लस के बारे में बता रहा था कि नेगेटिव में जब भी ऑड पावर होगी तो आप नेगेटिव ही रहने देंगे, देखिए ना, नेगेटिव पे ऑड पावर थी तो आपने नेगेटिव रहने दिया, जब भी नेगेटिव से इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है ये चीज, तो ये आंसर आ गया। ओके बाकी लोग, अच्छा ये देखें कि हमने इससे ये कंक्लूड करना है, एडवांस वालों ने आंसर इतना जल्दी क्यों बताया वो आप समझ लें, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार सब कुछ तो सेम है इन दोनों में, सिर्फ प्लस की जगह माइनस लिखा है, उनको रूल पता है क्या करते हैं, जब भी यहाँ प्लस होगा आपके लिए ऑल टर्म्स वुड बी पॉजिटिव, ए प्लस भी होगा तो ऑल टर्म्स वुड बी पॉजिटिव, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं, ये रूल है, ये रूल इसलिए क्योंकि हर बार यही होगा, क्योंकि वो वही नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स का रीजन है, जब भी ए माइनस भी होगा बीच में माइनस है तो टर्म्स होंगी ऑल्टरनेटिव, मतलब पहली टर्म पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन, ये बात समझ में आ रही है, तो अगर आपको पहले का आंसर पता था तो दूसरे का आंसर लिखने के लिए ये सारी कहानी करने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ प्लस की जगह माइनस लिख देते, इस प्लस की जगह माइनस लिख देते, बाकी सेम रहता, आपको पता होना चाहिए पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन, बात समझ में आ रही है, ये कब होगा जब भी बीच में माइनस होगा, ठीक है, बीच में प्लस होगा तो सारी टर्म पॉजिटिव, इफ ए प्लस बी की होल पावर एन कर रहे हैं तो ऑल टर्म वुड बी पॉजिटिव, ए माइनस बी होल पावर एन कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, तो ठीक हो गया, ये समझ में आ रही है बात, कोई कंफ्यूजन है इसमें पूछ लो, सिंपल है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हमने दो चार एक्सपेंशन और करनी है ताकि हमें इस फॉर्मूले की को यूज करने की तमीज आ जाए सही से, ठीक है, इसकी एक्सपेंशन करने के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चन मैं जरा दिखा दूं आपको, बुक मैंने खोली तो थी, ये सेकंड बुक अभी तक खुली नहीं है, रुको जब तक एक काम करो, दो चार मैं एक्सपेंशन दे रहा हूँ वो करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक्सपेंशन किस तरीके से दे रहा हूँ मैं, ये आपका आज का असाइनमेंट भी है, जितनी यहाँ पे हो जाएंगी हो जाएंगी, बाकी आपने घर पे करके मुझे सेंड करनी है। इसको पहले ही आपके पास टू या इसे कर लेते हैं थ्री प्लस एक्स होल टू द पावर फाइव, ठीक है ना, सिंपल है। फिर अब क्या करेंगे, अब दूसरे में हम कर रहे हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर थ्री। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो मैंने लिखा है इसको आप ट्रीट करेंगे एस बी, ये आपका बी है, अब जहां जहां बी लिखते हैं ना, जहां जहां बी लिखते हैं एनसीआर में बी बी जहां भी आता है वो बी की जगह आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर की पावर वन, ये एक्स स्क्वायर की पावर टू, एक्स स्क्वायर की पावर थ्री, ये कर लेना, सिंप्लीफाई करना, नहीं समझ में मुझे बताना, सही है। तीसरा आप ये कर लें, आप करें वन ओवर टू प्लस एक्स ओवर थ्री
टू द पावर जैसे कर लें आप 4, ठीक है, और एक और कर लें, एक्स माइनस 7/5 कर लें, चले टू द पावर 3, ठीक है। इसको जरा करें, जब ये चारों हो जाए तो फिर हम पांचवें पे आएंगे। पांचवें में हम क्या करेंगे, हम पांचवा करेंगे x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 5, या पावर कुछ कम कर लेते हैं, पावर 3 कर लेते हैं। यहाँ पे तीन टर्म्स आ गए, तीन टर्म्स में हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले आप ये चार टर्म्स कर लें, फिर मैं बताऊंगा तीन टर्म्स में क्या करेंगे, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने इन चारों को अभी करना है, अभी ये हमने अभी करना है, आंसर डिस्कस करना है, ताकि हमें क्लियर हो जाए यार कि हमें एटलीस्ट एक्सपेंशन करनी तो आ गई है। उसके अलावा जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाएगा हम देख लेंगे, लेकिन एक्सपेंशन तो हमें आ जाए आज ही आज में, ठीक हो गया। तो एक्सपेंशन कर लें आप इन चारों की अभी यूजिंग द फॉर्मूला, टर्म वाला फॉर्मूला कर लें। डायरेक्ट आपने करना है कि आप सारी टर्म्स एक साथ निकालना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, सही। जो ये हमने पूरा डिस्कस किया था, टर्म का फॉर्मूला यूज कर लें या तो आपकी मर्जी है। ये पांचों हमने करने, चार तक करने, पांचों में बताता हूं आपको। कॉपी कर लो, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ स्क्रीन, अभी करने आपने ये, सही है। साथ साथ हम आंसर शेयर करते रहेंगे, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ और ये कर लें। पांच मिनट में हम रिज्यूम करने क्लास, तब तक ये एटलीस्ट एक या दो तो हो जाने चाहिए।
जी भाई, क्या सीन है, हो रहे हैं सवाल। अच्छा, अब हमारे वो दोस्त जिन जो के एडवांस नहीं बढ़ के आए, वो हमें आंसर बताएंगे। कौन शुरू करना चाह रहा है पहले पार्ट का आंसर? खलील, तुमने नहीं पढ़े ना एडवांस, बताओ फर्स्ट पार्ट का पूरा आंसर लिख के भेजो। हमजा, आप भी भेजो। लाइबा, और कौन है? करीब, सलमान, आयशा जी। फर्स्ट टाइम 243, ठीक है। आगे सेकंड 86x, ठीक है। फर्स्ट टाइम हो गई 243, सबने बता दी। सेकेंड टर्म आयशा कह रही है 86x। थर्ड टर्म थर्टी सेवन एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ साथ साथ। जिन लोगों के आंसर मुख्तलिफ आ रहे हैं वो प्लीज थोड़ा सा बहस करें, हम चाह रहे हैं बहस हो। 3 की पावर 5 क्या है? 243, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म आपने बताई थी, मैं जरा यहीं पे चैट खोल लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड टर्म 86x, थर्ड 37x2, ठीक है। फोर्थ 19x3, फिफ्थ 8x4। नाइनटीन एक्स क्यूब सही है, देख लेना। एट एक्स पावर फोर, सिक्स टर्म क्या, 8x5। अच्छा, बाकी लोग सही कह रहे हैं, सारे आंसर सही दिए इन्होंने। जी हमजा, जो एडमिस वाले बता दें थोड़ा, अगर हम ओके दे दें, आप लोग, आप बड़े लोग हैं, बता दें हमने सही किया नहीं किया। नहीं किया सही हमने आजरा, क्या मसला है फिर, गलत किया? और क्या कर रहे हो तुम लोग, कितनी टर्म सही है भाई, कौन सी टर्म गलत है? और बाकी जो हैं यार हमारे, कहाँ गए हमजा वगैरह? हमजा सारे फर्स्ट टर्म कह रहे हैं 243, सेकंड टर्म से मसला शुरू हो गया। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म मैंने बोली 86x, तो अगर मैं 3 प्लस x टू द पावर 5 की एक्सपेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, किसी ने अगर गलत आंसर भी दिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, द गुड थिंग इज कि आपने आंसर दिए हैं, ठीक है। और उससे बेहतर चीज़ ये होगी कि आपको अपनी गलती समझ में आ जाए, दी बेस्ट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्लास को इंटरेक्टिव इसी तरीके से रखना है कि आपको जो भी समझ में आ रहा है आप बताएं, जो भी गलती है वो हम कोशिश करेंगे उसकी इसलाह हो जाए और आगे हम बढ़े। तो सेकेंड टर्म के लिए हमने करना क्या था? सेकेंड टर्म के लिए हमने करना था 5c1, ठीक है ना। एन सी आर, आर वुड बी वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। ए की पावर एन माइनस आर, ए की पावर 5 माइनस 1, बी टू द पावर आर, बी की पावर आर। 5c1 is 5, 3 की पावर 4 कितनी होती है? 3 की पावर 4 होती है 81, 81 होती है, कुछ और होती है, नहीं 27 होती, नहीं यहाँ 81 ही होती है ना यार। और एक्स, तो ये हो जाएगा 405x। सेकेंड टर्म सही है ना मैं, बाकी एडवांस वाले बता दें 405x सही आंसर है। क्या कर रहे हैं यार, सही है ना ओवर, ठीक है। अरे ठीक है, अच्छा जिन्होंने आंसर बताया था उनको समझ में आ गई गलती क्या थी? गलती समझ में आ गई आपने? अच्छा देख रही है, सेकंड टर्म में क्या किया हमने? NC1, ए की पावर एन माइनस वन, बी टू द पावर वन। नॉन एडवांस स्टूडेंट से मैं ज्यादा मुखातिब हूँ इस वक्त, मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए इस वक्त, ठीक है। जिस तरह आयशा रिस्पॉन्ड कर रही है, खलील ने कुछ हद तक रिस्पॉन्ड किया, बाकी लोग रिस्पॉन्ड करें,
कोई बात नहीं अगर आप गलत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है, कोई आपको स्क्रीन से निकल के मारेगा सॉरी, सिर्फ आपने समझ लेना है स्क्वाश एक्सपेंशन सीख लेनी है, ठीक है। सेकेंड टर्म ये होगी जो गलती समझ में आ रही है, थर्ड टर्म मैं वापस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ठीक है। थर्ड टर्म एन सी आर, आर क्या होगा, वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, आर थर्ड टर्म है तो आर टू है, ठीक है। ए की पावर, ए और बी तो सेम है ना आपके हमेशा, ए की पावर एन माइनस आर फाइव माइनस टू, बी की पावर आर, बी की पावर आर, सिंप्लीफाई करने 5 सी टू 10 होता है, कैलकुलेटर में देखेगा इसकी वैल्यू डायरेक्ट मत करेगा, 3 की पावर 3 इज 27 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 10 इंटू 27 इज 270 एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म ये होगी। बात समझ में आ रही है, बट कोई मसला नहीं, अच्छा बेहतरीन है, समझ में आ गई ना, आपने यही किया बस, आपने मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बाकी लोग, यूसुफ तुमने एडवांस पढ़ी है इससे पहले? जी सलमान तुमने भी पढ़ी हुई है, हाजरा सही, हाजरा ने पूरा आंसर बता दिया, सभी ने बता दिया, एक दो लोगों ने, ठीक है। और ओके, मुझे फाइनल आंसर मैं वापस लिख देता हूँ आप लोगों से पूछ के, तो क्या लिखे हैं आपने आंसर, 243 प्लस 405x प्लस 270x स्क्वायर प्लस 90x क्यूब 15x की पावर 4, मैं लिख देता हूँ यार, जी 243, उसमें आप कह रहे हैं कि ऐड करें 405x 270x स्क्वायर, नाइनटी एक्स क्यूब 15x पावर 4 एक्स पावर 5, 90x क्यूब 15x पावर 4 प्लस एक्स पावर 5, ठीक है ना। मैंने कहा था टोटल टर्म्स कितनी होंगी, वन मोर देन द पावर, पावर 5 थी, टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो ये हमने चीज़ देखी, उसके अलावा ये तो फाइनल एक्सपेंशन है, सबको समझ में आ गई एक्सपेंशन, इस तरह हमने, मैं यहाँ पे दो टर्म्स निकाली हैं, उसी तरह बाकी टर्म्स भी निकाल सकते हैं, कोई मसला है पूछ लें, कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लें, वो क्लियर दो के लिख के भेज दें। इसको सबका चाहिए मुझे, ओके जितने भी लोग हैं, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लिख के भेजना, कोई कंफ्यूजन है तो। जी हिबा, खलील, सलमान, सारिम, शाहम, शाहम रिप्लाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हमारे, रोया ठीक है, यूसुफ वजीहा ठीक है, मुनीब कोई मैसेज नहीं आ रहा तुम्हारा आज, अरीब शुरू में बात कर रहे थे फिर गायब हो गए, लाइव ओके गायब, पूछ लो कुछ पूछना, बाकियों को भला हो जाता है, अच्छी बात है पूछ लो। और सलमान, तारिम जी, चेक टी फोर अगेन, ओके हिबा मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, फोर्थ टर्म अभी देख लेते हैं, फोर्थ टर्म देखते हैं उसके बाद हम अल्लाह हाफिज़ करेंगे आपको, लेकिन अभी कहीं नहीं जाना आपने, फोर्थ टर्म देख के जाना है, फोर्थ टर्म जी, फोर्थ टर्म क्या है, एन सी थ्री सही है ना, एन वही एन तो फिक्स है हमारा, आर जो है वन लेस हो जाता है रिक्वायर्ड टर्म से, एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, बी की पावर आर, ठीक है। 5 सी 3 10 होता है, कैलकुलेटर में देख लो, 3 की पावर 2 इज 9, 5 माइनस 3 2 एक्स का क्यूब, तो विच इज 90 एक्स क्यूब, ये लिखी हमने, ठीक है 90 है ये, मैंने 9 शब्द आपको बुरा लग रहा होगा, समझ में आ गई बात, 90 एक्स क्यूब,
कोई कंफ्यूजन है? ओके ठीक है, सही है, फिर क्लास हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये असाइनमेंट करने बुरा आपने, सही है, जो मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं सब करके सर करने हैं। कौन कुछ कह रहा है? क्वेश्चन दिखा दें, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, इसका स्क्रीन शॉट ले लो यार जल्दी से, और बस ये सारे आपने करने हैं। कब तक? कल तक, कल हमने इनको डिस्कस करना है। पांचवा भी ट्राई कर लेना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा दूंगा, बाकी तो चार तो करने हैं। सही, इनमें भी सिर्फ फ्रैक्शन किए मैंने, एक्स के ऊपर कोई पावर लगा दिया, काम वही करना है आपने, फॉर्मूला वही यूज करना है। ठीक हो गया, एंड कर हम क्लास को। ओके देन, अल्लाह हाफिज। हाँ क्वेरीज पूछेगा यार, बिल्कुल पूछा।